Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Study CSIRNet. So guys, जैसा कि आप जानते हैं हम रेगुलर क्लास में हैं और मैं डेली कुछ ना कुछ नया टॉपिक या किसी ऐसे कंसेप्ट पर डिस्कस करता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कौन सा एग्जामिनेशन भाई? CSIRNet की एग्जाम की हम बात कर रहे हैं. सो आज भी मैं इसी तरीके से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ. एक पर्टिकुलर अगर हमें ऑर्डर दिया हुआ है तो उसके कितने ग्रुप होंगे, ओके इसके बारे में बात करेंगे. हम यहाँ बात करेंगे उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, किस तरीके से हम सब ग्रुप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर समराइज भी करेंगे कंक्लूजन के फॉर्म में. तो चलिए यहाँ सबसे पहले आप देखिएगा ये प्लेटफॉर्म क्या है. प्लेटफॉर्म है आपके पास वाईफाई स्टडी CSIRNet चैनल, ओके. And my referral code is Amitesh10. Okay, that's the thing. So, चलिए मूव करते हैं पहले अदर क्लासेस के बारे में. अपने अदर क्लासेस कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले. तो सबसे पहले बात करते हैं भाई अदर क्लासेस, रेगुलर क्लासेस जिसमें आप अभी हैं और उसका प्लेटफॉर्म होता है वाईफाई स्टडी CSIRNet चैनल और टाइमिंग है उसका 7 PM, ठीक है. सो दैट्स यू कैन सी हेयर ऑल्सो. और कब कब होती है? मंडे टू फ्राइडे. सिमिलरली हमारे पास है सुपर क्वेश्चन सीरीज. सुपर क्वेश्चन सीरीज में क्या होता है भाई, ये भी मंडे टू फ्राइडे होती है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से उनको हम सोचें, किस तरीके से उनके ऑप्शंस को डिस्कार्ड करें. सो दैट मीन्स जस्ट टू डेवलप योर थॉट कि क्वेश्चन को हमें कैसे टैकल करना है, ये सुपर क्वेश्चन सीरीज चलाई गई है. तो इसको आप हमेशा अटेंड करें. इसका प्लेटफॉर्म भी CSIR Wi-Fi Study CSIRNet चैनल ही है. आगे प्लस क्लासेस ऑन मेरी अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है. सो दैट मीन्स आप प्लस क्लासेस को अगर चाहते हैं कि भाई मेरी प्लस क्लासेस के अंदर भी है, हाउ और मेरी स्पेशल क्लासेस भी हैं, स्पेशल क्लासेस फ्रीली अवेलेबल होती हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं. मैक्सिमम जो है 9:30 पे नाइट में मैं क्लासेस ले रहा हूँ अभी तक तो. सो एवरी डे सो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. अन अकेडमी का जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करना होगा और उसको फॉलो करते हुए इंस्ट्रक्शंस को आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे. सो ये तो बातें रही भाई सब इसकी, लेकिन बात करें अगर हम प्लस क्लास की, तो प्लस क्लास को लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तभी इसमें पूरा कोर्स कराया जाता है, पूरा डिटेल में डिस्कशन किया जाता है. सो कैसे इस सब्सक्रिप्शन हम ले सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं भाई. सबसे पहले आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर में जाइएगा और अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है. अन अकेडमी लर्निंग ऐप जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया और अलाउ अलाउ दैट मीन्स गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, इसके बाद आप जाइएगा नेट के नेट एग्जामिनेशन में और CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन की कैटेगरी में. तो जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. गेट सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक किया तो आपको क्या होगा, आप पहुँच जाएंगे उस पेज पर जिस पेज में आपको डिटेल दी हुई है कि 1 month के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कितना पेमेंट करना होगा, 3 month के लिए कितना, 6 month के लिए कितना, 12 month की कितना और 24 month के लिए कितना पेमेंट करना होगा. सो जैसे कि हम बात करते हैं 12 month की, सो दैट मीन्स दिस इज 11,550 रुपये. सो भाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें एक और एडवांटेज है. अगर आपने रेफरल कोड यूज़ कर लिया, व्हाट इज दिस, दिस इज द रेफरल कोड Amit S10. सो आपको और भी एडवांटेज मिलेगा. वो क्या एडवांटेज मिलेगा, आपको मिलेगा 10% का बेनिफिट इसमें. सो दैट मीन्स यू हैव टू पे जस्ट 10,395 रुपीज. सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. अप्रॉक्सीमेटली 30-32 के बीच में कहीं पड़ जाता है आपको. सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि हम 30-32 रुपये का रोज खर्च करके बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं. वो किस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं, बहुत सारे बेनिफिट उठा सकते हैं. वो कौन से बेनिफिट्स हैं मैं बताता हूँ आप लोगों को. यहाँ नंबर ऑफ एजुकेटर्स हैं, आप उनकी सबकी लाइव क्लासेस देख सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मॉक सीरीज लगा सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें, ये सब PDF नोट्स मिल जाते हैं आपको. सो दैट मीन्स दीज ऑल आर द गुड थिंग्स, ठीक है ना. सो ये तो रही भाई अन अकेडमी के बारे में और मेरे बारे में, मेरी क्लासेस के बारे में. अब हम शुरू करते हैं आज हम क्या डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. चलिए तो भाई यहाँ दिया हुआ है ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर एट. तो सबसे पहले माइंड में हमारे क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास ऑर्डर 8 है, एन इज इक्वल टू मैं कहूँ 8 है, तो कितने ग्रुप हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. सो दैट मीन्स सबसे पहले लिख लीजिएगा आप
टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 ऑर्डर 8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये तो हमें मालूम हो गया कि टोटल जो है हमारे पास 5 ग्रुप्स हैं ऑर्डर 8 के। अब हम सोचते हैं हमारे बात में दो माइंड में हमारे पास दो चीजें स्ट्राइक करती हैं, कितने अबेलियन हैं और कितने नॉन अबेलियन हैं। तो चलिए हम अबेलियन के लिए तो जानते हैं कि भाई नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप कैसे निकालते हैं, ये तो हमने कई बार डिस्कस किया है, तो ये भी आप लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया जी। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास, इसको भी लिख लेते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने हुए। अबेलियन ग्रुप ऐसे ऐसे होते हैं जो भी आपके पास दिया हुआ है ग्रुप का ऑर्डर। सो दैट मीन्स यहाँ क्या दिया हुआ था 8, इसको सबसे पहले आप लिख लीजिए इस तरीके की फॉर्म में, यानी कि प्राइम के पावर की फॉर्म में लिख लिया। अब ऊपर जो नंबर दिया हुआ है दिस नंबर यू हैव टू जस्ट पार्टीशन, दिस पार्टीशन तो 3। नाउ जस्ट कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप कितने आ गए, 3 आ गए टोटल। तो ये तो हो गए आपके पास नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप 3। तो यानी कि बचे कौन, बचे भाई आपके पास 2 टोटल 5 में से। सो इसका मतलब आपके पास नॉन अबेलियन कितने हो गए, दिस इंप्लाइज थे कितने, टोटल कितने थे 5, और माइनस अबेलियन आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए, यू आर गेटिंग 2। ओके, सो पूरी ये तो डिस्कशन हो गया इसका। सो अब हम देखते हैं किस तरीके से इसको और भी एनालाइज किया जाए। चलिए ओके, सो दैट मीन्स हमें पूरी इंफॉर्मेशन क्या मिली यहां से, ग्रुप के ऑर्डर टोटल हमारे पास कितने आए 5। ओके, टोटल ग्रुप्स। अब इस ग्रुप में से हमारे पास कितने अबेलियन आए, 3 अबेलियन एंड 2 आपके नॉन अबेलियन। ये अबेलियन अप टू आइसोमॉर्फिज्म वाली बात करते हैं, अप टू आइसोमॉर्फिज्म। तो ये तो इंफॉर्मेशन होगी। अब हम अबेलियन की अगर बात करें तो इनकी जो हमारे पास अबेलियन है इनकी स्ट्रक्चर कौन कौन सी होगी, इसको भी हम देख लेते हैं। सो देखिए भाई, हम एक बात जानते हैं, अगर हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो क्या उस नंबर का ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो हम कहते हैं कि साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है। तो एक तो सिंपली हमारे पास क्या हो गया, Z8 हो गया। ओके, अब हमें 8 को देखना है, यानी कि क्या अबेलियन के लिए, ये तो साइक्लिक हो गया, अबेलियन हो गया। अब हम और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कौन कौन सी, Z4 इंटू Z2 एंड थर्ड वन इज Z2 इंटू Z2 एंड इंटू Z2। सो दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर हमें तीनों के बारे में, ये वो तीन अबेलियन ग्रुप्स हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म। तो नॉन अबेलियन कौन से हैं, इनके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। दो की हमने बात की है, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कैसा है, इवन है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि नॉन अबेलियन की बात कर रहे हैं, इवन ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है, यानी कि डीएन की तरफ, डायहेड्रल ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। सो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई हमारे पास एक तो D4 है। अब हम दूसरे की कौन सी बात करें, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा देखिए क्वाटेरियन ग्रुप है Q8। तो ये तो हो गई
हमें ये भी पता लग गया टोटल ग्रुप्स हमारे पास 5 आ गए, जिसमें से 3 अबेलियन और 2 नॉन अबेलियन। अबेलियन के स्ट्रक्चर भी है हमारे पास, नॉन अबेलियन के स्ट्रक्चर भी है। सो क्या हम इनका और भी एनालिसिस कर सकते हैं? यस, अब हम इनका एनालिसिस करेंगे कि भाई Z8 के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए एनालिसिस ऑफ द ग्रुप Z8। सो Z8 की जब हम बात करते हैं, सो लिखिएगा Z8 के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है। ये इसलिए लिखवाई जाती हैं क्योंकि देखिए ये हमें इंफॉर्मेशन सारी की सारी याद रहनी चाहिए एग्जाम में। जैसे ही हमें ऐसे कोई भी ग्रुप दिखाई दे पर्टिकुलर, तो दैट मीन्स उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें माइंड में याद आनी चाहिए। कैसे, क्लियरली क्या है? साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है भाई। सेकेंड क्या इंफॉर्मेशन है इसके पास? इसमें हाईएस्ट जो ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट है वो ऑर्डर 8 का है। सो लिखिएगा द हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट इज 8। इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है हमें, ठीक है, कि हमें पता लगे कि उसके अंदर भाई हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, अगर हमें ये मालूम हो। सो ये भी काफी इंफॉर्मेशन हमें देता है, एकदम से हमें देख के बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं, अभी पता लग जाएगा। नेक्स्ट भी हम देख सकते हैं क्या है, आप ये जानते हो कि यहाँ पर हर एक डिवाइजर्स के पास, अगर हमारा ग्रुप साइक्लिक है, जितने भी डिवाइजर्स होंगे उनके सब के रिस्पेक्ट में उसके पास सब ग्रुप बन जाएंगे। सो आप सिंपली लिखेंगे फॉर ईच डिवाइजर देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप। So, जितने डिवाइजर्स इसके होंगे उतने ही इसके सब ग्रुप हो जाएंगे। तो आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए इसके कितने हैं। सो इसका मतलब 4 है, 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4 भी डिवाइड कर रहा है और 8 भी डिवाइड कर रहा है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल सब ग्रुप हो गए आपके पास 4। टोटल सब ग्रुप हो गए हमारे पास 4। कैसे कैसे? 2 तो हो गए हमारे पास इम्प्रॉपर और 2 हो गए हमारे पास प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। सो ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। सो ग्रुप कैसा था आपके पास? साइक्लिक था, बेलियन था। तो सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ दिस ग्रुप क्या होगा? हमने कहा कि दिस इज द जी, ओके, दिस इज द जी, दैट्स इक्वल टू। तो सेंटर कैसा हुआ इसका? सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू कंप्लीट जी आ गया है, ठीक है। दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ द सेंटर जी इज इक्वल टू 8 आ गई है। सो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्टली यहां से मिल गई, एटलीस्ट हमें ये तो हमें मालूम ही होनी चाहिए। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि हम बात करें इसकी कितने कंजुगेट क्लासेस हैं इसके पास, ठीक है, क्लास इक्वेशन क्या है इसके पास, नॉर्मल सब ग्रुप हैं या नहीं है इसके पास, ये सब भी इंफॉर्मेशन हो चाहिए। बट एटलीस्ट मैं कहूँगा इतना तो हमें मालूम ही होना चाहिए। सो नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या होगी, नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास is equal to 8, यानी कि order of the group, और each class have one element। तो कैसे packets में है, कैसे box में है? हर एक box में 8 box है और हर एक box में हमारे पास एक element है। So, ये इतनी इंफॉर्मेशन तो भाई आप अपने पास रखें, एटलीस्ट जब भी हम Z8 के बारे में बात करें।
ठीक है ना। जनरेटर की बात करें तो फाई एन निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे तो बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, बट एटलीस्ट देखते ही इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें आ जानी चाहिए कि साइक्लिक हो गया, अबेलियन हो गया, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर का एलिमेंट कितना हो सकता है, इसके अंदर 8 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। टोटल डिवाइजर्स कितने हैं, डिवाइजर से हमें पता लग जाता है सब ग्रुप कितने बनेंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें तुरंत ही मालूम होनी चाहिए। सेंटर में कितने एलिमेंट जा रहे हैं, ये सब चीजें। तो चलिए, ये तो हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। ये तो किसकी इंफॉर्मेशन हुई हमारी, सिर्फ जेड एट की इंफॉर्मेशन, राइट। अब हम मूव करते हैं अदर वन पे। क्या है हमारा अदर वन, जेड टू इंटू जेड फोर और जेड फोर इंटू जेड टू, कैसे भी आप कह लो उसको, ठीक है। सो यानी कि अब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ द ग्रुप किसका, जेड टू इंटू का। अब आप नोटिस कीजिए, जी इज इक्वल टू व्हाट हमने डिफाइन कर लिया है, दिस इज इक्वल टू जेड टू इंटू जेड फोर, सो दैट इज ए ग्रुप, हमारे पास जो ग्रुप दिया हुआ है। अब हम इस ग्रुप को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश में क्या, सबसे पहले हमारे पास क्या पॉइंट आता है, हम इसकी नेचर देखें ये कैसा है। द ग्रुप इज अबेलियन, अबेलियन ग्रुप है। उसके बाद हम बात करें तो भाई इस ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का, पर्टिकुलर एलिमेंट का हाईएस्ट ऑर्डर क्या हो सकता है, तो ये क्लियरली पता लग रहा है हमें, 4 है, ठीक है। द लिखिएगा, द हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 8, एलिमेंट इज कितना है इसमें, 4 है हमारे पास। सो ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि 4 से बड़े ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर। अभी देखिएगा इसका क्या बेनिफिट होगा, इसमें पता लग जाएगा इस चीज को भी, ठीक है। सो टू फाइंड द सब ग्रुप या टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, अब हम देखते हैं कैसे हम इनको निकालते हैं। सबसे पहले इस प्रोसेस को जान लीजिए कि सब ग्रुप जब भी हमारे पास ऐसे साइक्लिक ग्रुप के कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कोई भी ग्रुप, तो वो उसमें से हम एलिमेंट का किस तरीके से हम सब ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आप देखिए यहाँ इस टू के डिवाइजर्स कौन कौन से हैं, यू हैव सीन, फाइंड आउट द डिवाइजर, ठीक है। सो इसका डिवाइजर होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। इस 4 के डिवाइजर कौन कौन से हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है डिवाइजर, 2 भी हो सकता है और खुद 4 भी हो सकता है, ठीक है। आप एक तो जानते ही हैं इसके पास क्या मिल गया, एक तो आइडेंटिटी ही है, ऑर्डर आइडेंटिटी का क्या होता है, 1 होता है, तो आइडेंटिटी को तो आप एक बार के लिए भूल ही जाइए, बिल्कुल हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हम देखते हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट, क्योंकि इसको डिवाइड करने वाले कौन कौन से हैं, या तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, या 4 ऑर्डर का एलिमेंट है, या 1 का, आइडेंटिटी निकल गई। तो अब 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स देख लेते हैं। सो फॉर द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 की हम बात कर रहे हैं, क्या प्रोसेस है। तो देखिए सबसे पहले आप पॉसिबिलिटी देख ली कैसे कैसे आपका ऑर्डर बना सकते हैं। यहां से हमने क्या लिया, 1 लिया और यहां से हमने 2 लिया। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी ऑर्डर 2 के लिए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी 2 और 1, और थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती थी ये, राइट। दैट वाज द प्रोसेस कि हमें देखते हैं कि इनका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या बनने वाला है, इनका 2 2 2, सबका ऑर्डर 2 आ जाएगा। यही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमारा टारगेट होता है कि भाई ये टोटल पॉसिबिलिटी तो निकाल ली, लेकिन अगर पर्टिकुलर हम कहें कि ऑर्डर का हम एलिमेंट निकालें ग्रुप के अंदर, कि भाई ये ग्रुप का ऑर्डर है और इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर, तो हमें क्या करना होता है, हमें फाई डी निकालना होता है। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ से निकालेंगे दैट व्हाट विल बी दैट वेल, फाई ऑफ 1 इंटू फाई ऑफ 2। सिमिलरली यहाँ से फाई ऑफ 1 एलिमेंटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो फाई ऑफ 2, फाई ऑफ 2 एंड फाई ऑफ 1। सो और यहाँ से हम बात करेंगे तो फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ 2, that will be equal to, इसका क्या हुआ, 1 into, that is also 1, that is equal to also 1, that is equal to 1. So, कितने आ गए, 3 एलिमेंट आ गए आपके पास। आइडेंटिटी के साथ आप लेंगे तो वो सब ग्रुप बना जाएंगे। सो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो गए, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स हो गए आपके पास, ऑर्डर 2 के
के सब ग्रुप कितने हो गए आपके पास, तीन, ठीक है, दैट इज इट। अब सेम प्रोसेस रिपीट कर करके आप ऑर्डर फोर के निकाल सकते हो। तो ऑर्डर फोर के लिए भी आपको क्या करना होगा, सिमिलरली ऐसे ही पॉसिबिलिटीज देखनी होंगी। फोर फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर फोर, अगर हम ऑर्डर टू की बात कर रहे हैं या ऑर्डर फोर की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगे आपके पास, आप देखिएगा। वन फोर आ गई हमारे पास, और या फिर हमारे पास टू फोर आ गई। सिमिलरली व्हाट हैपन, फाइव ऑफ फोर निकाल लेंगे आप, ओके। यहां से भी आप क्या निकालेंगे, फाइव ऑफ टू इंटू फाइव ऑफ फोर, सो व्हाट विल बी, दिस विल बी इक्वल टू टू एंड दिस विल बी इक्वल टू अगेन टू, राइट। तो सिमिलरली what happened, you can construct the subgroup, okay, so this is the way to construct the subgroup, ki kitne iske subgroup aa jate hain, okay, so that was the thing, overall conclusion mein hum pura bata dete hain aapko. iske baad hame ye subgroup nikalne aa gaye hain, abelian ka bhi pata lag gaya hai, ye group abelian hai, highest order ke element ka bhi malum ho gaya hai, ab center mein kyunki group hamara kaisa hai, abelian hai, to agar hum center of g ki baat kare to pura ka pura aa jata hai, theek hai, पूरा ग्रुप आ गया, ये भी हमें मालूम हो गया है। अगर हम कंजुगेट क्लास की बात करें, सो ऑब्वियसली हर क्लास में एक एलिमेंट होगा और सारे के सारे पूरे ग्रुप के ऑर्डर के बारे में कि आठ क्लासेस हो जाएंगी इसकी भी, सो कंजुगेट क्लास, ओके, सो दैट इज अ थिंग जो मैं यहाँ बात कर रहा था, कंजुगेट, टोटल कंजुगेट क्लास इज इक्वल टू एट and each class has one element, हम बात करें तो, so that means class का भी पता लग गया, हर class के अंदर element कितने हैं हमें ये भी मालूम हो गया, so इतनी information तो हमें easily atlas हमें मालूम ही होनी चाहिए, so चलिए अब हम बात करते हैं next वाले group की, next हमारे पास क्या है भाई, next है हमारे पास analysis of the group Z2 into Z2 into Z2, ठीक है, सो जी को अगर हमने मान लिया, जी इज व्हाट, जी इज जेड टू इंटू जेड टू, राइट। यहां पर भी आप उसी तरीके से पॉसिबिलिटीज निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, एनालिसिस करने जा रहे हैं, कैसा है, अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन है, तो सेंटर में कितने एलिमेंट हैं, पूरा का पूरा ग्रुप आ गया है हमारे पास, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास, टोटल नंबर ऑफ कंजुगेट क्लास की बात करेंगे तो हमारे पास कितने आ गए हैं वापस, क्योंकि एबिलियन एट है और एंड ईच क्लास है, यानी कि हर बॉक्स में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, class have one element, so ये information हमें एकदम से मिल गई हमारे पास, ठीक है। highest order के अगर बात करते हैं हम, किसी भी element का जो highest order हो सकता है वो कितना है, वो टू है, highest order of the element, highest order of the एलिमेंट इज टू, सो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, सिर्फ यहाँ पर टू ऑर्डर की पॉसिबिलिटीज निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो, वन वन टू एक ये हो सकता है, ऐसे आप सारे निकालनी है आपको, वन टू वन हो सकता है, वन टू टू हो सकता है, मैं निकालने नहीं जा रहा हूँ, सो दैट मीन्स एलिमेंट्स को देखना है आपको फाइव ऑफ टू, ठीक है, सो दैट मीन्स आइडेंटिटी के अलावा कितने हैं आपके पास, ग्रुप का ऑर्डर कितना था, ये हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक तो देखो इसमें कौन कौन से डिवाइजर्स हैं आपके पास, देखो एक तो आइडेंटिटी हो गई जिसका ऑर्डर वन था, और दूसरा क्या हो गया, दो, आइडेंटिटी को निकालने के पास बचे कितने, यानी कि सेवन एलिमेंट है ऑर्डर टू के, सो इसको, इसका मतलब हमें इस प्रोसेस को नहीं करना है, इन दैट केस डायरेक्टली हमें पता है,
ठीक है, बट ऐसा घबराना नहीं है। अगर हमारे पास Z22 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 से कितना भी कुछ भी लिखा हुआ है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द साइक्लोग्रुप कुछ भी लिखा हुआ है, प्रोसेस इज द सेम हमें निकालने के लिए। तो हमें सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना होता है। सो ये तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रही हमारी कि हमने Z2 के बारे में बता दिया, केसी स्ट्रक्चर Z22 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 के बारे में बता दिया। यानी कि मैं कहूँ तो जो ऑर्डर 8 था उसके नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन जो ग्रुप थे उनके सारे स्ट्रक्चर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन सर सब ग्रुप के जो थे वो कौन कौन से सब ग्रुप थे? फॉर एग्जाम्पल Z8 है, Z8 के अंदर एलिमेंट्स कैसे 0, 1, 2, 3, 4 till 7 तक। सिमिलरली हमारे पास जब Z2 into Z4 था तो पेयर्स में एलिमेंट आ गए, Z2 into Z2 into Z2 में आ गए, ट्रिपल प्रोडक्ट्स में आ गए हमारे पास। सो दैट मीन्स वो एलिमेंट्स और सब ग्रुप कौन कौन से बने, चलिए अब उनके बारे में हम बात करते हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पूरा एनालिसिस देख लीजिए आप, ठीक है। सो व्हाट इज दिस ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास 8, राइट? द ग्रुप ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज 8। हमने बात की नॉन आइसोमोर्फिक अबेलियन ग्रुप की, सो ये तो तीनों ये लिखे हुए हैं। और अगर हमने बात की कि नहीं हमें अब बात करनी है किसकी, हमें बात करनी है नॉन अबेलियन की, तो हमारे पास ये भी लिखे हुए। सो दो ये हो गए और तीन ये हो गए, टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल 5 आ गए हमारे पास, दैट इज अ फुल स्ट्रक्चर। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं अब इनके कि अगर हमारे पास G इज इक्वल टू Z8 है तो हमें क्लियरली हमने अभी देख लिया उसके डिवाइस के बराबर सब ग्रुप थे और 4 डिवाइसेस का मतलब 4 सब ग्रुप आ गए। वो कौन कौन से हैं? एक तो आइडेंटिटी हुई, H1 इज इक्वल टू 0, मैंने इनको H1 लेबल किया हुआ है। सो H2 क्या हुआ, 0 और 4, H3 क्या हुआ, 0, 2, 4, 6, और H4 क्या हुआ, 4, 6 हो गया। ये दोनों ठीक है, ये तो आपके पास कौन से हो गए, इम्प्रॉपर, और जो बीच वाले दो हैं H2 और H3 ये कौन से हो गए, ये हो गए प्रॉपर सब ग्रुप। सो क्लियरली हमें क्या पता लग गया कि सर इसकी तो जो इंफॉर्मेशन है ये आपके पास नंबर ऑफ सब ग्रुप 4 आ गए। सिमिलरली अगर हम मूव करते हैं Z2 into Z4 के ऊपर, हमने नोटिस किया देन इट हैज 7 सब ग्रुप। कैसे कैसे 7 सब ग्रुप है और कौन कौन से हैं तो उसको भी देख लेते हैं। भाई ये देख लीजिए जी के अंदर एलिमेंट कैसे आए, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2 और 1, 3, टोटल 8 एलिमेंट्स हमारे पास इस तरीके की फॉर्म के हैं। सो इट हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 and 4, हाईएस्ट किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है, 4 है। एक आइडेंटिटी को छोड़ दीजिए आप, अदरवाइज तो सब एलिमेंटों का या तो ऑर्डर 2 का है या ऑर्डर 4 का है। हमने निकालने का प्रोसेस भी डिस्कस कर दिया कि कैसे हम इसके ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स और सब ग्रुप बनाएंगे और फिर ऑर्डर 4 के एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे और कैसे हम उसके सब ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। एक आइडेंटिटी भी। सो सिमिलरली इट हैज 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, जो ये 3 एलिमेंट ऑर्डर 2 के हैं, अगर हम इसे आइडेंटिटी के साथ इंक्लूड कर लें तो हम जानते हैं कि हम K4 क्लाइंट्स 4 ग्रुप बना सकते हैं, तो एक सब ग्रुप वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पर। सो इट हैज 3 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, सो 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 आर दिस वन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमें जो दी हुई है ये भी हमें एक अच्छी स्ट्रक्चर मिल गई। क्या क्या है वो, H1, H2 और H3, हमें ये तो हुई आइडेंटिटी हर एक के साथ, दिस इज द आइडेंटिटी, ओके। और ये इसके एलिमेंट ऑर्डर 2 का आ गया है। सो दैट मीन्स हमने क्या बना दिया, सब ग्रुप बना दिया, तीनों के तीनों सब ग्रुप यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद इट हैज अ 4 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, सो 2 सब ग्रुप, क्योंकि 4 में हमें 5D यानी कि कितने सब ग्रुप बना पाएंगे, 2 सब ग्रुप बना पाएंगे। सो 4 upon 5D दैट इज इक्वल टू 2, सो दैट मीन्स सब ग्रुप कितने आ गए हमारे पास, 4 आ गए। कैसे कैसे भाई, कौन कौन से हैं वो, H4 की स्ट्रक्चर दी हुई है हमने, ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए। H5 की स्ट्रक्चर भी यहाँ पर मेंशन की गई है और H6 की भी मेंशन की है। H7 पूरा का पूरा ग्रुप G है और H8 हमारे पास K4 है, ठीक है। दिखने में हमें क्या लग रहा था, 7 है, लेकिन हम भूल रहे थे कि अगर हमने 3 एलिमेंट्स आपके पास जो है ऑर्डर 2 के ले लें और एक आइडेंटिटी को ले लें तो हमारे पास तो K4 बन जाएगा, ठीक है ना। सो इन तीनों को एलिमेंटों को एक साथ लेकर के हमने क्या किया, आइडेंटिटी को इंक्लूड करते हुए एक H8 बना दिया, दैट मींस क्लाइन 4 Z2 into Z2 बना दिया इसके अंदर, ओके। सो टोटल कितने हो गए इसके पास, इसके पास हो गए 8 सब ग्रुप, ठीक है। सो दैट मींस वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट।
चलिए अब मूव करते हैं लास्ट वन पे। जब हमारे पास ग्रुप कैसा था, Z2 × Z2 × Z2 ग्रुप अगर हमारे पास ऐसा है Z2 × Z2 × Z2 तब इट हैज ए 9 सब ग्रुप। कैसे कैसे भाई 9 सब ग्रुप, देखिए अभी मैंने क्या आइडेंटिटी को छोड़ दीजिए, उसके बाद कितने आपके ऑर्डर 2 के एलिमेंट थे आपके पास, 7 सब एंटिटीज मिलके क्या बना देते हैं, सब ग्रुप। लिखिएगा सिंस जी हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 सो इट हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 एंड 2 इटसेल्फ। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है, हाईएस्ट ऑर्डर एलिमेंट का कितना था 2 था और एक आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होता है 1 होता है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने हो गए 7, आइडेंटिटी के साथ मिलके क्या बनाने वाले हैं सब ग्रुप। सो क्लियरली कितने आ गए आपके पास सब ग्रुप, 20 के पास 7 आ गए। इसके बाद कौन कौन से हम क्लियरली उनको नाम दे सकते हैं H1, H2, H3, S7 तक, हमें कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी के साथ ऑर्डर 2 का एलिमेंट लेना है बस, सब ग्रुप ऑर्डर 2। और भाई एक आइडेंटिटी अकेला और आपके पास दूसरा कौन सा पूरा ग्रुप जी, तो दो इम्प्रॉपर हो गए, सो दैट मीन 7 + 2 इज इक्वल टू 9 आ गया है हमारे पास। तो टोटल सब ग्रुप कितने हो गए इसके पास 9 हो गए। सो यानी कि आज हमने डिस्कस कर लिया है, क्या डिस्कस कर लिया है हमने, हमने डिस्कस कर लिया है जब भी हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर 8 है तो उसके पास जो टोटल सब टोटल ग्रुप्स हैं ऑर्डर 8 के वो 5 हैं। अगर n इज इक्वल टू हमें रेंडमली 8 दे दिया जाए तो पूछा जाए कि बताइए सर 8 ऑर्डर के कितने ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, तो आंसर होना चाहिए 5। कितने अबेलियन है यानी कि उसको प्राइम की पावर में लिखो, जो ऊपर पावर थी उसको पार्टीशन करो, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो दैट मींस हमें मिल गया पार्टीशन ऑफ 3 इज इक्वल टू 3, नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप इज 3, ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई। नॉन अबेलियन को क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर इवन था तो सबसे पहले हमें डीएन की तरफ सोचना चाहिए, उसके बाद हमने डीएन की तरफ सोच लिया, एक हमें नॉन था Q8 हमने डायरेक्टली लिख लिया, तो टोटल हमारी कैलकुलेशन से निकल के आ गए 5, नॉन अबेलियन भी और अबेलियन भी हमने सारे टोटल निकाल लिए। पूरी यहाँ आज हमने डिस्कशन कर लिया कि भाई हमारे पास जो अबेलियन थी, अबेलियन की क्या स्ट्रक्चर थी, क्या एनालिसिस था, वो सारा का सारा हमने याद रख लिया। देखो कुछ मैंने की पॉइंट्स बताए आपको शुरू शुरू में, जो लिख लिख के बता रहा था कि कैसे ऑर्डर निकालेंगे और किस तरीके से हम इन पॉइंटों को यूटिलाइज करेंगे, दैट मीन्स ये पॉइंट्स हमसे कहीं ना कहीं किसी स्टेटमेंट में ऑप्शन में मिल जाते हैं, इसलिए हमें यहाँ बिल्कुल माइंड में फिट कर लेना चाहिए कि ठीक है Z2 × Z8 दिखाई दे रहा है, Z2 × Z2 × Z2 दिखाई दे रहा है, तो एकदम से हमें याद आना चाहिए इसके इतने सब ग्रुप होंगे, ऐसे हम निकालते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एकदम से आनी चाहिए, तो बेनिफिशियबल होती है हम लोगों के लिए। सो आज के लिए मैंने पूरा का पूरा अबेलियन के बारे में डिस्कशन किया है। कंक्लूजन क्या निकला है आपके पास, देखिए Ni = 4 किस केस में निकला है, ये जब हमारे पास ग्रुप Z8 था, ये 7 किस में निकले हैं आपके पास, 7 नहीं 8, किसके केस में Z2 × Z4 के केस में, और 9 किसके केस में निकले हैं Z2 × Z2 × Z2 के केस में। सो ग्रुप का अगर ऑर्डर 8 है तो अबेलियन की सारी स्ट्रक्चर हमें मालूम है, ठीक है भाई। नॉन अबेलियन के अंदर क्वाटेरियन ग्रुप में तो दिक्कत नहीं होती है, एकदम से निकाल लेते हैं, डीएन के लेकिन बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रक्चर्स आती है, तो किसी दिन फिर मैं दोबारा आऊंगा आप लोगों के पास डीएन के बारे में ही, यानी ऑर्डर अगर एन इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है तो ऑर्डर 8 के अबेलियन के बारे में आज डिस्कशन हुआ है, नॉन अबेलियन के बारे में हम इसके पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो आप लोग देखते रहिए वीडियोस को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वाईफाई स्टडी CSIR चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए धीमे धीमे अंडरस्टैंड करने के कंसेप्ट को, ये मॉडर्न अलजेब्रा ये ऐसा एक टॉपिक है हमारे पास, आप नोटिस करेंगे हमें ज़्यादा पेन की यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है 1, 2 या मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट हमें लगाने होते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके।